सो व्हाट इज अप गाइस, मैं हूं बीजे, सब्सक्राइब कीजिए। कैसे गाइस आप लोग, मैं तो बहुत ही बड़ा होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। गाइस लाइट चली गई, कैसा लगा गाइस? मुझे पता है कुछ लोग डर गए होंगे, मजा आया गाइस। सो चलो गाइस अभी आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जिम में तो भाई मैंने आज शोल्डर लगाए और कैमरा होल्ड कर रहा हूँ ना तो भी मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। चलो अभी आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। गाइस वहां पर ना हमारा जिम है और मित्राज गया है वॉशरूम में और मैं ना एक्टिवा निकल कर आ चुका हूँ। अभी उसको एक्टिवा की आवाज़ आई या नहीं पता नहीं, बट मैं वहाँ मेन गेट से निकल चुका हूँ और यहाँ पर आके छुप चुका हूँ। अभी देखता हूँ उसका रिएक्शन क्या होता है। अभी तक वो आया नहीं लगता है, होगा कुछ ज़रूरी काम। यार मैं गलती से इधर आ गया यार, प्रैंक फेल। मैंने सोचा कि एक्टिवा की तुझे आवाज आएगी तो एक्टिवा चालू करके मैं यहाँ पर आ गया। मुझे जब एक कुत्ता हो साथ तो डल्डे की क्या बात। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। ऐसे तगड़े डॉग्स होने चाहिए स्ट्रीट डॉग। हमारे पीछे भागे ही नहीं, साले पतले पतले पीछे भागकर काटते हैं। पापा को पैर में एक स्ट्रीट डॉग ने काट लिया है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:05 और अभी मैं कॉलेज के लिए रेडी हो चुका हूँ। अभी मित्राज का वेट कर रहा हूँ क्योंकि हम दोनों का कॉलेज जाने का रूट सेम ही है, तो साथ में कभी कभी चले जाते हैं। और उसको सैटरडे वैसे हॉलीडे होता है, मुझे तो हर रोज़ जाना होता है, मुझे संडे हॉलीडे होता है। और अभी जा रहे हैं कॉलेज और आज ना मैंने टोटली ब्लैक आउटफिट पहना है, ऊपर ब्लैक शर्ट, ब्लैक गॉगल एंड ब्लैक कैप, उसके नीचे जीन्स का पैंट और उसके नीचे भी ब्लैक कलर के शूज़। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। मम्मी बोल रही थी तो बाउंसर लग रहा है। मैंने बोला यार अपने बेटे को बाउंसर बोल रहे हो, मुझे बाउंसर कोई बोलता है तो अच्छा नहीं लगता। अगर कुछ बॉडी बिल्डर बोले या फिर अच्छा दिख रहा है ऐसा कॉम्प्लीमेंट देता अच्छा लगता है, यार बाउंसर कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं यार मेरे घर पे लोग मुझे। कोई नहीं, चलो कॉलेज जाके आगे का ब्लॉग शूट करते हैं। आज के दिन में ब्लॉग में मैं बस ये सेकेंड टाइम मैंने फ़ोन हाथ में रखा है ब्लॉग शूट करने के लिए, अभी बाकी की बात बाद में करते हैं। तो यस गाइस, चलो अभी कॉलेज में आ चुके हैं, क्लास में बैठा हूँ और बाकी सब लोग नीचे हैं प्रेयर के लिए। मैं तो क्लास में आकर बैठा हूँ, बाद में नीचे जाऊँगा और अटेंडेंस करा के आ जाऊँगा वापस ऊपर। तो गाइस आज सबसे पहले प्रैक्टिकल है, आज दो प्रैक्टिकल है। आज ना मित्राज हमारे कॉलेज के एमपी थिएटर में बैठा था क्योंकि उसका लेक्चर जल्दी ख़त्म हो गया था और मेरे लिए वो वेट करके बैठा था। बट मुझे ऐसा लगा कि उसका लेक्चर ख़त्म हो गया होगा तो वो चला जाएगा और मैं 2 घंटे लेट था। वैसे उसका 2 घंटे पहले लेक्चर ख़त्म हो जाता है और मैं 2 घंटे लेट था। सो मैंने सोचा कि वो चला गया होगा और मैं भी निकल गया वहाँ से। बाद में ना मित्राज का मुझे कॉल आया कि किधर, मैंने बोला हाईवे के पास। तो बोला मैं तो यहाँ पर एमपी थिएटर में तेरा वेट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला यार तू पहले नहीं बोल सकता था, ऐसा वैसा हमारी बात हुई। बाद में वो आया और उसके बाद मित्राज के पास एक जुपिटर है, सो जो इंश्योरेंस है ना वो रिन्यू करवाने गया था। सो मैंने ना वहाँ पर 2 बाइक देखी, एक TVS रेडर एंड सेकेंड TVS अपाचे RTR 160 और वो भी 4V ऐसा कुछ मॉडल था उसका। बट गाइज आप 125cc सेगमेंट में अगर रेडर को देखो, मैं रेडर पर बैठ के मैंने देखा, एक नंबर बाइक है गाइज। लिटरली मैं मुझे भी सूट हो रही थी। ऑब्वियसली मैंने ये जो रेडर है वो रास्ते पर चलती हुई देखी है। जब तक आप उस पर बैठते नहीं हो ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये बाइक इतनी मस्क्यूलर है। और मैंने सेकंड देखी TVS अपाचे RTR 160 4V और बहुत ही बढ़िया बाइक है। और मैंने कलर वैसे देखा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे TVS अपाचे RTR का, बहुत ही बढ़िया कलर था ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में। और ना मैंने वहाँ पर फोटोज क्लिक किए, मैंने मित्राज को पूछा वो बाइक मुझे सूट हो रही है, वो बोला डार्लिंग सच्ची में तुझे ना ये बाइक बहुत ही बढ़िया सूट हो रही है। और मुझे भी लगा कि हाँ भाई ये बाइक पर अगर बैठूँ गाइस। Z9 आप कावासाकी की जी सीरीज देखोगे ना तो आपको थोड़ा सिमिलर तो लगेगा RTR में क्योंकि दोनों ही नेकेड स्पोर्ट्स है।
गैस मैंने अपाची RTR 164V का मैंने मोड देखा भाई, तीन तीन मोड आते हैं, अर्बन, फिर दूसरा है स्पोर्ट्स एंड थर्ड है रेन। रेन मोड भी अंदर आता है, वो बहुत ही बढ़िया है। और मैक्सिमम मैंने माइलेज पूछा तो माइलेज उन्होंने कहा कि 40 से माइलेज अप आएगा, 35 टू 40 आएगा स्पोर्ट्स मोड में, और अर्बन मोड में अगर आप अच्छे से चलाते हो तो 50 के ऊपर आ सकता है, और रेडर का जो माइलेज है वो है 50 के अप। सो ये बहुत ही बढ़िया है, और इसकी प्राइस भी बहुत ही अच्छी है मिडिल क्लास बंदों के लिए। भाई ये बहुत ही अच्छी बाइक हो सकती है और बहुत ही बढ़िया, उसकी सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी कम है। और वैसे मुझे रॉयल एनफील्ड स्क्रैम पसंद है, जीटी पसंद है, बट अभी के लिए ना मुझे कॉलेज में बाइक लेके जाना है, मेरे को ना बहुत ही इच्छा हो रही है। और आज मैंने ये शोरूम में बाइक्स देखी तो मुझे वो सच्ची में बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप TVS अपाची RTR 160 को ऐसे देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इतनी मस्कुलर बाइक है, बट अगर आप उस पर बैठोगे तो गाइज यू फील लाइक अ किंग। जो 160cc की तो लग नहीं रही है, और उसमें ना ड्यूअल एग्जॉस्ट होल आते हैं, और काफ़ी बढ़िया, मुझे अच्छा लगा। और गाइज वैसे भी मैं अभी बाइक की सर्च में हूँ कि मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए। वैसे भी मेरे दिलो दिमाग पर स्क्रैम 411 वो तो है ही है, बट अदर कंपनीज को मैं देखूँ तो TVS बाइक के मामले में बहुत ही बढ़िया है, और माइलेज उसका काफ़ी अच्छा है। मित्राज ने मुझे डोमिनार 400 सजेस्ट की, बट मैंने बहुत देखा हुआ है डोमिनार 400 का, सो मेरा मन उस तरफ नहीं गया ज़्यादा। तो मैंने बोला कि कम सीसी की भी चलेगी, अपन को पावर से कोई मतलब नहीं है, अपन को बस बाइक चलाने के लिए चाहिए। सो वो बाइक बहुत ही बढ़िया है। वैसे थोड़े दिनों बाद मैं जाने वाला हूँ सर्च करने के लिए कि कौन सी बाइक मेरे लिए अच्छी रहेगी, और सारे शोरूम में घूमने वाला हूँ। अभी तो मैं कॉलेज में ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकता हूँ बिकॉज डिटेन हो चुका हूँ मैं, इसलिए इस महीने में मुझे ज़्यादा छुट्टी नहीं लगानी है। कोई नहीं गाइस, चलो अभी आज के व्लॉग को एंड कर दे, क्योंकि आज सच में मेरी हालत नहीं है, मैं आपके सामने इतना इजीली बोल रहा हूँ, बट मेरा ना ये पूरा सर एकदम इधर से दर्द कर रहा है, फिर भी मैंने इतना व्लॉग शूट किया। अभी मेरी कैसी भी हालत होगी बट मुझे हर रोज़ व्लॉग एडिट करके रखना ही पड़ेगा। और गाइस कभी कभी व्लॉग थोड़े कम मिनट का है तो चला लेना। अगर आपको व्लॉग आज का अच्छा लगा तो मेक श्योर आप इस व्लॉग को जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितने ज़्यादा हो सके इस व्लॉग को शेयर कर देना। तो चलो गाइस अभी हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।